हेलो नमस्कार जी, आप सभी का यूट्यूब चैनल एजुकेशन नॉलेज टीवी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी भाई? बहुत बड़ा ऐलान कर दिया गया है। जी हां, अभी 10 मिनट पहले ही बहुत ही ज़बरदस्त खुशखबरी आ चुकी है आप सभी के लिए। आने वाली 4 जून 2024 शाम 5 बजे के बाद से ही जी हाँ आपको मिलने जा रहा है 10 बड़ी योजनाओं का लाभ। पूरे देश भर के लोगों को इसका फ़ायदा होगा, चाहे आप महिला हैं, छात्र हैं, मजदूर हैं, किसान हैं या आप है युवा। जी हाँ, सभी के लिए आ चुकी है बहुत ही अच्छी खुशखबरी। जी हाँ, एग्जिट पोल का बाप जारी हो चुका है। आप सभी जानते हैं एग्जिट पोल जारी हो चुके हैं, एग्जिट पोल का भी बाप जारी हो चुका है। जी हाँ, आप सभी को मैं बताऊँगा किस प्रकार से सभी एग्जिट पोलों ने BJP जी हाँ यानी कि भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से सरकार बनाते हुए दिखाया, किस प्रकार से BJP को बढ़त दिखाई। 300+ सीटें BJP की पोल ने दिखाई, लेकिन आप सभी को मैं बताऊं किस प्रकार से बड़ा खेला किया गया है एग्जिट पोल के साथ। और भाई ये आरोप लगाया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जी हाँ BJP पर आरोप लगाते हुए कहा है कि BJP की सरकार किस प्रकार से घपला करने के लिए एग्जिट पोल को पहले ही 300+ सीटें दिखाने के लिए TV चैनल को कहा गया था। आपको बता दें, और इंडिया गठबंधन किस प्रकार से सरकार बनाता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ एग्जिट पोल और भी जारी हुए हैं जिसमें इंडिया गठबंधन की सरकार बनती दिखाई दे रही है। वहीं आने वाले 4 जून 2024 को शाम 5 बजे के बाद साफ हो जाएगा रुख किसकी सरकार बन रही है। वहीं हम आपको बताएं, इंडिया गठबंधन इस बार सरकार बनाने जा रहा है और 300+ सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में आएगी और 10 बड़ी योजनाएं गरीबों के लिए 4 जून से ही लागू करने का फैसला सरकार करेगी। जी हाँ, कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे महिलाओं की। महिलाओं के सम्मान के लिए महालक्ष्मी योजना को पूरे देश भर में लागू किया जाएगा। सरकार बनने के तुरंत बाद ही इंडिया गठबंधन का फोकस रहेगा महालक्ष्मी योजना को लागू करना। जी हाँ, जितनी भी गरीब परिवार की महिलाएं हैं, जो BPL से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, उनके बैंक अकाउंटों को लिया जाएगा, उनको 1,00,000 रुपया साल का दिया जाएगा। जी हाँ, 8,500 रुपये की राशि उन सभी महिलाओं के बैंक अकाउंटों में हर महीने की पहली तारीख को डाल दी जाएगी। यानी कि हम बात करें 4 जून को सरकार बनेगी और 1 जुलाई को आपके बैंक अकाउंटों में 8,500 रुपये की राशि डाल दी जाएगी। चाहे आप किसी भी राज्य में रहती हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी समुदाय से हो, किसी भी जाति से हो, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस फर्क यही है कि आप एक गरीब परिवार से होनी चाहिए, आपका BPL का राशन कार्ड होना चाहिए, आपको इसका लाभ सरकार तुरंत प्रभाव से देगी। अगर आपका अभी भी जो बैंक अकाउंट नहीं खुला हुआ है तो आप तुरंत अपना बैंक अकाउंट खुलवा लें और बैंक अकाउंट को अपने राशन कार्ड के साथ लिंक करवा लें, अन्यथा आपको इसका लाभ मिलने में दिक्कत हो सकती है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है, 4 जून के बाद तुरंत से एक पोर्टल ओपन किया जाएगा। जितने भी छात्र हैं कक्षा 8वीं से 12वीं तक के, जितने भी छात्र हैं देश भर में, चाहे वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं चाहे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, उन सभी को सरकार एक एक टैबलेट देगी और टैबलेट बहुत ही अच्छी क्वालिटी का दिया जाएगा। आपको बता दें, सरकार ने पहले भी रुख साफ किया था कि 4 जून को सरकार जैसे ही बनेगी इंडिया गठबंधन की, जितने भी छात्र हैं उनको हम टैबलेट मुहैया करवाएंगे, देश दुनिया से भी जुड़ पाएँ और अच्छी क्वालिटी से पढ़ाई कर पाएँ। यानी कि आपको बताएँ तो भाई, जितने भी युवा, जितने भी छात्र पढ़ाई कर रहे हैं 8वीं कक्षा से 12वीं के बीच, उन सभी को एक एक टैबलेट सरकार बनने के तुरंत बाद से ही दिया जाएगा। बहुत बड़ी खबर है भाई।
बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। मजदूरों के लिए जितने भी दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, रोज़ खाते हैं, रोज़ कमाते हैं ऐसे लोग भी, और ऐसे लोग भी जो कि मनरेगा के माध्यम से दिहाड़ी करते हैं, उन सभी के लिए खुशखबरी है, 400 रुपया मिनिमम। जी हाँ, 400 रुपया मिनिमम दिहाड़ी सरकार करने जा रही है। चाहे आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर कमाते हैं या फिर आप अपने कुछ प्राइवेट कंपनी में आप काम करते हैं, 400 रुपया मिनिमम आपकी जो सैलरी है एक दिन की वो रहने वाली है। अब आपकी जो आप कारखाने में काम करते हैं, प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, जितने भी वर्कर हैं उन सभी की जो सैलरी है उनमें भी अब पंख लगने वाले हैं, इंक्रीज होने वाली है। यानी कि हम बात करें 400 रुपए दिन के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त खुशखबरी आने वाली है। जी हाँ, 4 जून 2024 शाम 5 बजे के बाद जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, इस पर भी बड़ा एक्शन लिया जाएगा। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। जी हाँ, जितने भी किसान भाई हैं जो किसान सम्मान निधि के पैसे लेते हैं 6,000 रुपये हर साल, वो 6,000 तो आपको मिलेंगे ही, उसके साथ साथ ध्यान दीजिएगा किसान सम्मान निधि की जो 17वीं किस्त है वो भी जारी की जाएगी, और 17वीं किस्त के साथ आपको महा किसान सम्मान निधि के 2,000 रुपये अतिरिक्त भी दिए जाएंगे सरकार बनने के तुरंत बाद से ही। जी हाँ, राहुल गांधी की तरफ से बहुत बड़ा ऐलान किया गया है कि सरकार बनने के तुरंत बाद से ही आपको इसका लाभ दिया जाएगा। वही हम बात करें सरकार बनने के तुरंत बाद से, यानी कि इंडिया गठबंधन की जैसे ही सरकार बनेगी 2.5 लाख रुपए तक का किसानों का जो खर्चा है वो भी तुरंत प्रभाव से माफ़ करने पर, जी हाँ, तेज़ी से काम किया जाएगा। सरकार बनने के बाद तेज़ी से काम किया जाएगा, 2.5 लाख रुपए तक का जो कर्ज़ा किसानों का वो माफ़ किया जाएगा। बहुत बड़ी खबर है भाई। हम बात करें देश में पहली बार इतनी ज़बरदस्त योजनाएं लागू करने जा रही है इंडिया गठबंधन कांग्रेस की सरकार, जो कि एक बार पहले भी कभी भी इस प्रकार की योजनाएं लागू देश में नहीं हुई है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। जी हाँ, अगर आप युवा हैं, जी हाँ, नौकरी की तलाश कर रहे थे, लगातार आपको धक्के खाने पड़ रहे थे नौकरी के लिए, आपको ना नौकरी मिल रही थी, ना प्राइवेट नौकरी मिल रही थी, ना सरकारी नौकरी मिल रही थी, आप पढ़ चुके हैं, बीए कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, 12वीं पास कर चुके हैं, 10वीं पास कर चुके हैं, तो आपको मैं बताऊं सरकार आपको अब बेरोजगारी भत्ता 8,000 रुपये तक देगी प्रत्येक महीना। जी हाँ, जब तक आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगती है जब तक सरकार आपको 8,000 रुपये तक बेरोजगारी जो भत्ता है सरकार आपको घर बैठे देगी। यानी कि आप अगर एक प्राइवेट कंपनी में भी काम करते हैं वहाँ पर आप 8,000 से 9,000 रुपये कमाते हैं, इतने रुपए तो सरकार आपको बनने के बाद तुरंत से आपके घर पर ही देगी। जी हाँ, बड़ी खबर है। और भाई, आपको क्या लगता है देश में 4 जून को किसकी सरकार आने वाली है? इंडिया गठबंधन की आएगी या फिर एग्जिट पोल जो कि बीजेपी को आगे दिखा रहे हैं उनकी सरकार आएगी, किसकी सरकार आएगी, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।